वेलकम गाइस। जिस प्रकार पुष्प का नर जनन अंग पुंकेसर होता है, उसी प्रकार मादा का जनन अंग क्या होता है? जायांग होता है। आज हम जायांग के बारे में पढ़ेंगे। तो जायांग की का दूसरा नाम स्त्री केसर भी होता है। एक जायांग में आपको बता दें तीन भाग होते हैं। सबसे ऊपर वाला जो भाग होता है वो वर्तिका होता है, उसके जो मिडिल वाला भाग होता है वर्तिका कहते हैं, तथा सबसे नीचे जो फूला हुआ भाग होता है ना, उसे क्या कहते हैं? अंडाशय कहते हैं। तो ये तीन भाग होते हैं जायांग में, यानी स्त्री केसर में। देखते हैं स्त्री केसर का दूसरा नाम क्या होता है? जायांग होता है। और एक जायांग यानी स्त्री केसर में बीजांड और क्या होते हैं? भ्रूण कोष होते हैं, यानी इनसे मिलकर बना होता है। जायांग एक अंडप युक्त होता है या अनेक अंडपों युक्त होता है, इसलिए जायांग को अंडप भी कहा जाता है। यानी अंडप में तीन भाग दिखाई देते हैं, अंडाशय, वर्तिका एंड वर्तिकाग्र। अंडप के शीर्ष पर फूली हुई चौड़ी, ये देखो फूली हुई चौड़ी जो संरचना होती है, उसी को क्या कहते हैं बच्चों? वर्तिकाग्र कहते हैं। मध्य का नलिकाकार, नलिकाकार जो संरचना होती है उससे क्या कहते हैं? वर्तिका कहते हैं। और नीचे का फूला हुआ भाग क्या कहलाता है? अंडाशय कहलाता है। तो इतना हमें पढ़ना था कि जायांग के कितने भाग होते हैं। तो तीन भाग जायांग के होते हैं। आगे हम देखते हैं कि जो है अंडाशय के भीतर बहुत छोटी छोटी गोलाकार संरचनाएं पाई जाती हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? बीजांड कहते हैं। यानी ये अंडाशय कहाँ से आ गया? ये अंडाशय जो होता है, अंडाशय आप देख रहे हैं कि जो है जायांग का सबसे फूला हुआ भाग क्या होता है? अंडाशय होता है। और उस अंडाशय के अंदर क्या पाया जाता है? बीजांड पाया जाता है। यानी अंडाशय के अंदर बीजांड होता है, और बीजांड के अंदर भी क्या होता है? भ्रूण कोष होता है। तीनों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस, आपके एग्जाम के लिए, नॉलेज के लिए, कि किसके अंदर कौन होता है, किसके ऊपर कौन है। तो अंडाशय सबसे बाहरी लेयर होती है, सबसे बाहर होता है, उसके अंदर क्या होता है? बीजांड होता है। और सबसे अंदर क्या होता है? भ्रूण कोष होता है। देखिए यहाँ पर एक संरचना है, एक जायांग की अनुप्रस्थ काट की संरचना है, बोर्ड एग्जाम के लिए आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इसको आप डरा कर लीजिएगा। तो वर्तिकाग्र यहाँ आप देख रहे हैं, वर्तिकाग्र है। फिर ये जो वर्तिका है प्रणाली, मतलब कि नलिका नुमा रचना है, वर्तिका कहते हैं। और ये जो फूला हुआ भाग यहाँ से यहाँ तक भाग होता है ना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? अंडाशय कहते हैं। अब देखिए जो अंडाशय को हमने रेड कलर से दिखाया है, फिर उस अंडाशय के अंदर क्या होते हैं? बीजांड होते हैं। अंडाशय के अंदर बीजांड होते हैं, ये बीजांड है। और ये जो भाग है ना, ये इतना भाग जो दिख रहा है, ये भाग क्या होता है? भ्रूण कोष होता है। ये भाग क्या होता है? भ्रूण कोष होते हैं। अब इस भ्रूण कोष में भी बहुत सारी कोशिकाएँ होती हैं, केंद्रक होती हैं, ये बाद में पढ़ेंगे। और यहाँ पर ये जो है पुष्पासन, पुष्प का आसन, यानी पुष्प जिस पर जुड़ा रहता है, जिसके ऊपर लगा रहता है, उसी को क्या कहते हैं? पुष्पासन कहते हैं। पुष्प वृंद, ये वृंद क्या होता है? एक डंठल होता है जो हम लोग पकड़ते हैं। जैसे किसी को फ्लावर देना है तो हम लोग उसका पुष्प वृंद पकड़ कर देते हैं, अथवा किसी से पुष्प लेते हैं तो क्या पकड़ कर लेते हैं? पुष्प वृंद ही वो भाग होता है। यानी ये भाग जो होता है, हमने यहाँ पर दिखाने का प्रयास किया है थोड़ा आपको समझाने का, कि पुष्प वृंद ये भाग होता है। और ये वाला भाग जिस पर पुष्प जुड़ा रहता है वो क्या होता है? पुष्पासन कहता है। बाह्य दल के बारे में आप जानते हैं। तो इतना भाग आप जो है तैयार कर लीजिए अपने एग्जाम के लिए, कि जायांग के बारे में आए तो या अनुप्रस्थ काट लिखना हो तो ये इतना भाग आप दर्शा दीजिएगा। आगे हमें पढ़ना है बीजांड की संरचना। तो बीजांड एक क्या होता है? एक छोटी सी संरचना है। बीजांड क्या होती है? एक छोटी संरचना होती है। बीजांड कहाँ पाया जाता है? अंडाशय के अंदर होता है बीजांड। अब बीजांड में
जो होता है वो बीजांड वृंत। देखिए फिर से आ रहा वृंत वर्ड आ रहा। वृंत मतलब क्या होता है, एक डंठल होता है जो जोड़ने का कार्य करता है। तो जो बीजांड वृंत द्वारा जो होता है, बीजांड वृंत द्वारा जो होता है बीजांडसन से क्या होती है, जुड़ी रहती है। बीजांड का वह भाग जिससे बीजांड वृंत जुड़ा रहता है वो भाग क्या कहलाती है, नाभिका कहलाती है। ये भाग नाभिका कहलाती है। बीजांड के भीतर का अधिकांश भाग जो होता है कुछ प्रकार की कोशिकाओं से बना होती है। उन कोशिकाओं को क्या कहते हैं, मृदुत्की कोशिकाएं कहते हैं। और इन कोशिकाओं से जो बना होता है उसे क्या कहते हैं, बीजांड काय कहते हैं। जैसे कि आपको देखने को मिलेगा कि देखिए ये क्या है, पूरा ये पूरा का पूरा ये भाग दिख रहा ना क्या, वो है बीजांड काय। ये बीजांड काय ही किससे मिलकर बना होता है, मृदुत्की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। बीजांड काय एक या दो आवरणों से ढका रहता है। अब देखिए ये बीजांड का हो गया, ये क्या हो गए, आवरण, एक आवरण दो आवरण, इन्हीं आवरणों को क्या कहते हैं, अध्यावरण कहते हैं। यानी बीजांड के बाहर क्या होते हैं, अध्यावरण होते हैं। कितनी लेयर की होती हैं, दो लेयर की होती हैं। अध्यावरण बीजांड को एक छोटे से रंध्र को छोड़कर चारों ओर से घिरे रहता है। जी हाँ, यहाँ पर इस स्थान पर किसी प्रकार कोई अध्यावरण नहीं पाया जाता। ये बीजांड का द्वार होता है। इस रंध्र को क्या कहते हैं, बीजांड द्वार रहते हैं। यानी बीजांड द्वार वो पार्ट होता है जहाँ पर अध्यावरण नहीं पाया जाता है। बीजांड द्वार सिरे के ठीक विपरीत भाग को क्या कहते हैं, निभाग अथवा चलेजा बोलते हैं। ये भाग क्या होता है, बीजांड के अपोजिट भाग क्या होते हैं, निभाग होता है। बीजांड का है कि मध्य में एक थैली नुमा संरचना, यानी बीच में ये जो थैली नुमा संरचना दिख रही है यही भाग क्या होता है, भ्रूण कोश होता है। इसको देख लीजिए ध्यान से। इस भ्रूण कोश के बारे में हमें आगे भी पढ़ना है, लेकिन यहाँ पे जो पढ़ना है वो उसमें क्या क्या दिया गया है, ध्रुवीय केंद्रक दिया है। उनकी संख्या कितनी है, दो, हमें ये लर्न करना है। प्रतिमुखी कोशिकाएँ यहाँ पर संख्या कितनी है, एक दो तीन, तीन संख्या में है। उसके बाद ये बीच के जो भाग होता है अंडकोशिका होती है, यही अंडकोशिका को परागकण निषेचन करने के लिए आएगा। इनकी संख्या कितनी होती है, एक होती है। और दो संख्या में क्या है, सहायक कोशिकाएं होती हैं। यानी टोटल की बात करें तो केंद्रक, केंद्रक कितना है, आठ है। यानी देंगे तीन, थ्री थ्री टू, कितना हुआ, एट हुआ। और कोशिकाएँ जो होती हैं सेवन होती हैं, क्योंकि एक केंद्रक में एक कोशिकाएँ, तो तीन केंद्रक में तीन कोशिकाएँ हो गई, तो तीन ये छः हो जाएंगी। और ये जो दो केंद्रक होती हैं वो इतनी बड़ी कोशिका में पाई जाती हैं, यानी दो केंद्रक एक कोशिका में पाई जाती हैं। इस प्रकार कोशिकाओं की संख्या एक में कमी हो जाती है। यानी टोटल कोशिकाओं की संख्या कितनी होती है, सेवन होती है। तो ये जो है बीजांड का क्या है, बीजांड की लंबोत्काट का रेखीय प्रदर्शन है। इसको आपको कॉपी में ड्रा करना है। ओके।